हैं। तो गाइस कार्बन ने नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको चार कैमरे मिलने वाले हैं। तो मेरे पास इस समय तीन मोबाइल आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको जो मॉडल नंबर है KX51 Pro, इसमें आपको चार जो कैमरे आपको मिलने वाले हैं और इसमें आपको जो डिस्प्ले साइज है वो आपको बड़ा मिलने वाला है और इसमें आपको जो बैटरी है इसकी भी आपको बिग बैटरी के साथ में आपको ये फ़ोन लॉन्च किया गया। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो अगर आप जियो सिम डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो पूरी देखनी होगी, ठीक है। तो मेरे पास इस समय देख सकते हैं कार्बन का फ़ोन आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ K1 4G नाम से आया हुआ। कार्बन कंपनी ने नया फ़ोन लॉन्च किया है जिसमें आपको जियो सिम डालने के लिए भी मिलने वाला है। तो चलिए आज मैं इस ये तीन फ़ोन है मेरे पास, तीनों में से सभी को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, कितने ऑफर मिलेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। और तो फ़ोन गाइस कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मॉडल मेरे पास था KX51 Pro, मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया हुआ है और यहाँ पे मैंने पूरा बॉक्स खाली कर दिया है, ठीक है। इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी आपको मिलने वाला है। दूसरा मॉडल भी है मेरे पास K531, इसका मॉडल नंबर है, ये भी कार्बन कंपनी का है। तीसरा मॉडल है मेरे पास कार्बन का, ये भी आपको कार्बन का ही है जिसमें आपको जियो सिम डालने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए गाइस एक एक करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको निकाला यहाँ पे KX51 Pro, जो कि कुछ मॉडल इस तरीके से यहाँ पे पैकिंग में आया हुआ और काफ़ी अच्छा है। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे शेर का यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है स्टिकर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पैकिंग में निकला हुआ है और एक यहाँ पे वारंटी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जो दिख रहा है हमारे को। यहाँ पे आप वारंटी कार्ड यहाँ से भर सकते हो और आपको एक साल की वारंटी इसमें मिल जाएगी। और तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो बैटरी है आपको है वो काफ़ी बड़ी मिलने वाली है। जो बैटरी आपको मिलेगी तो गाइस वो 1800 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, काफ़ी लंबी बैटरी है जो कि काफ़ी लंबा टाइम चलने वाली है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे कितना इसका बैकअप है और कितना इसको ये चलती भी है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं बैटरी इसमें डाल और आपको दिखाऊँगा कैसे इसमें आपको, तो मैं बैटरी डाल के अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो और देख लेते हैं, इसमें एक आपको हैंड फ्री साथ में मिलेगी जो कि आपको 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ में आपको मिल जाती है और एक चार्जर आपको यहाँ से मिल जाए जो LG 3500 का आपको चार्जर यहाँ से मिल जाता है। तो अब मैं आपको एक बार फ़ोन दिखा दूँ, यहाँ से देख सकते हो ब्लैक कलर में आपको ये फ़ोन मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ से जो डिस्प्ले साइज है काफ़ी अच्छा इसमें दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार स्लिम में दिखाऊँ तो काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि बैटरी इसकी मोटी है, तो मोटे के हिसाब से इसका मोबाइल ठीक है। और मैं आपको बैक में दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आपको चार कैमरे मिलने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार कैमरे मिलेंगे, स्पीकर भी साथ में मिलेगा। स्पीकर के साथ में आपको जो चार कैमरे, ये मैं आपको जरूर खोल के दिखाऊंगा और आपको चला के भी दिखाऊंगा कि इसमें आपको जो चार कैमरे हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक यहाँ पे ऊपर एक टॉर्च मिलने वाली है, सबसे लास्ट में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और LG 3500 का आपको चार्जर भी इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए गाइस इसमें एक बार बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आपको अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं। तो मैं इसका स्टिकर हटा देता हूँ, एक बार मैंने स्टिकर यहाँ से हटा दिया। KX51 इसका प्रो मॉडल नंबर लिखा हुआ और इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो मैं आपको बताऊं तो 2.4 inch की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और जिसके कीपैड है काफ़ी अच्छे हैं, ब्लैक कलर में मोबाइल ये मिल जाता है। तो इसका बैक कवर हटा देते हैं एक बार, यहाँ से मैंने कवर हटा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा आपको चार मिलते हैं, स्पीकर है और यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है। MI नंबर इसके दो हैं तो आपको दो सिम डाल देनी है, एक मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और वारंटी कार्ड आपको जो इसमें मिलता है वो एक साल की आपको वारंटी भी इसके अंदर मिल जाती है। तो इस फ़ोन के अंदर पहले बैटरी डाल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर के सारे फीचर्स क्या हैं और आपको क्या क्या नया मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके ऑफ़र भी बताऊंगा कि आपको ऑफ़र में आपको क्या क्या मिलेगा। जियो सिम अगर डालनी है तो आपको जियो सिम के लिए भी मैं आपको ही बताने वाला हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ से चालू कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कार्बन KX51 Pro इसका मॉडल दूसरा भी है मेरे पास, तो दूसरा जो है K531 है, यहाँ पे ये मोबाइल चालू हो चुका है। इसके अंदर के सारे फीचर्स जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग अगर करनी है आपको, फेसबुक वगैरह चलानी है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ फ़ीचर्स होते हैं इसके, वो मैं आपको बता, यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा वगैरह यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो कैमरा वगैरह अगर आपको चलाना है तो काफ़ी डिजिटल कैमरा इसका आता है, जो कि आपको यहाँ से अभी मैं मोबाइल के वजह से दिखा रहा हूँ तो आपको सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको इसमें फ्रंट और बैक में दोनों है ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कैमरा वगैरह इसका चला सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो मल्टीमीडिया, यहाँ पर ब्राउजिंग वगैरह अगर करनी है आपको तो यहाँ पर जो ब्राउजिंग का सिस्टम दिया हुआ है यहाँ देख सकते हो, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ ब्राउजर, आप ब्राउजिंग पर आपको जो भी चलाना है तो आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते
सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। और इसके जो कुछ फीचर्स हैं पहले मैं आपको वहाँ से बताऊँ डब्बे बॉक्स में इसके क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बॉक्स में बहुत सारे मॉडल। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास दूसरा मॉडल भी है, ठीक है, जो दूसरा मॉडल है इसमें भी आपको चार कैमरे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर तीसरा मॉडल अभी इसको भी मैं खोल के आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आपको जियो सिम कैसे डालनी है, कितने रुपये का रिचार्ज कराना है, ये सब भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो मैं आपको इसके फीचर्स में आपको जो भी बताऊंगा, यहाँ पे मोबाइल ट्रैकर वगैरह, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, मोबाइल ट्रैकर, स्पीड डायल है, बॉक्स है, कॉलर आईडी है, इसमें ऐसे बहुत सारे 1800 mAh बैटरी है, 2.4 इंच की डिस्प्ले, इस तरीके के बहुत सारे इसमें आपको ये मिल जाते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि मेरे को आगे और बताना है तो आपको काफ़ी देर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ऑफ़र बता दूंगा और इसका कितने रुपये का ये फ़ोन आता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोन भी काफ़ी सस्ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप जियो सिम चलाना चाहते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ दूसरा मॉडल भी है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा लास्ट में, इसके जो भी फीचर्स होंगे सारे बता दूंगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो एक और मॉडल है मेरे पास, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कार्बन भारत K1 4G नाम से, इसमें आपको जियो सिम डालनी है, ठीक है। इसका मैं खास आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक ही सिम डालने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सस्ता बहुत है मोबाइल। अगर आप जियो सिम डालना चाहते हैं केवल एक ही सिम चलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जियो इनसाइड लिखा हुआ है, कार्बन कंपनी का फ़ोन है, एक सिम आपको डालनी है जियो कंपनी की, ठीक है। और ये फ़ोन बहुत ही सस्ता आता है, इसके में कुछ फीचर्स हैं ये मैं पहले आपको कुछ बता दूं, फिर मैं आपको देखता हूं। इसमें आपको अगर जियो सिम डालोगे तो जियो के सारे फीचर्स आपको चालू हो जाएंगे, भले ही कार्बन का फ़ोन हो। तो जैसे कि जियो सिनेमा आप चला पाओगे, जियो सावन चल जाएगा, HD वॉइस कॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको 1.77 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, जो ये डिस्प्ले साइज है आपको यहाँ पर 2.4 इंच की मिलती है, यहाँ पर आपको 1.77 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पर 0.3 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी इसके अंदर मिलेगा, जिससे आपको अगर आप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग वगैरह, वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है वीडियो प्लेयर और रिकॉर्डिंग दोनों कर सकते हैं कैमरे में। तो आपको यहाँ पे FM मिलेगा, वो वायरलेस मिलेगा। एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि इस फ़ोन के अंदर UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको कार्बन का ये फ़ोन है, इसमें आपको UPI पेमेंट मोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्या हुआ है, जियो और उसने मिल के बनाया हुआ है। जियो और कार्बन कंपनी का फ़ोन है, इसमें जियो सिम डलती है, तो जियो ने अपने सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जियो सिनेमा, जियो सावन पे आपको 8 करोड़ गाने सुनने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाएंगे। LED टॉर्च भी आपको इसके साथ में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें आपको जियो सिम डालनी है, और ये सस्ता कितना है, MRP की बात करूँ तो 1999 रुपये का है। रेड ब्लैक कलर में मोबाइल आता है, और ये केवल लॉन्च किया है कंपनी ने, 999 रुपये का। तो 999 रुपये का फ़ोन है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है ये वाला मोबाइल। कार्बन कंपनी का मोबाइल है, मैंने आपको कार्बन के मॉडल ही दिखाए थे, तो कार्बन का ये भी मोबाइल है। अगर आप जियो सिम चलाना चाहते हो तो 123 रुपये के रिचार्ज पे आपको अपनी पुरानी वाली सिम डाल देनी है। आप पुरानी सिम डाल सकते हैं, 123 का रिचार्ज कराना है, जिसमें आपको आधा GB नेट डेली मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, और वो पूरे महीने का आपको रिचार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी पुरानी वाली जो सिम है आप जियो की, वो इसमें डाल सकते हैं, और 123 रुपये का आपको रिचार्ज कराना है। 999 रुपये का आपको ये फ़ोन मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही सस्ता है गाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सस्ता मोबाइल है। अगर आप जियो सिम चलाना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी जगह पे ये अवेलेबल है मोबाइल, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। तो अगर मैं इस फ़ोन की बात करता हूँ तो गाइस चार कैमरे वाला है, तो इसमें आपको मैंने फीचर्स सारे बता दिए थे, बहुत सारे, 32 GB मेमोरी कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्वाइप 1 प्रो है इसका, जो यहाँ पर 1790 रुपये इसकी MRP है। बाकी आपको ये फ़ोन सस्ता मिल जाएगा, MRP के हिसाब से नहीं मिलता है, सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर लो इस फ़ोन को, और वहाँ से इजीली आपको यहाँ से मिल जाता है। ये चार कैमरे वाला मोबाइल है, KX 5 Pro, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लेना, ठीक है। और गैस अगर जानकारी अच्छी लगा करे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो ऐसी जानकारी वाली वीडियो और भी लाएंगे, जो कि अगर 4G फ़ोन आया कार्बन का कोई, तो फिर से लाएंगे वीडियो। तो यार जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।